अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। मित्रों, की पढ़ाई की अगर कोई उम्र नहीं होती है तो बिगड़ने की भी कोई उम्र नहीं होती। उम्र के किसी भी पड़ाव में चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, कोई भी बिगड़ सकता है। इसलिए अपने रिश्ते को सहेज कर चलना चाहिए। ये कहानी है मित्रों विवेक और अनुराधा की। विवेक और अनुराधा 10 वर्ष सुखद वैवाहिक जीवन व्यतीत हुआ। एक बच्चा भी था 8 वर्ष का। एक दिन विवेक आता है अपनी पत्नी अनुराधा से, कहता है कि हमें तुमसे तलाक चाहिए। अनुराधा कहती है, अरे क्या हो गया? एक बार तो उसको लगता है मजाक कर रहा है, लेकिन मजाक वो नहीं कर रहा था, वो हकीकत में बात कर रहा था। अनुराधा को जब विश्वास हो जाता है कि ये मजाक नहीं कर रहे, तो अनुराधा भी टूट जाती है। वो भी विवेक के सामने एक शर्त रखती है कि ठीक है, हम आपसे तलाक लेंगे, लेकिन हमारी एक ही शर्त है, उसको मान जाइए। विवेक वो शर्त मान लेता है। आखिर वो क्या ऐसी शर्त थी जो अनुराधा विवेक के सामने रखा था उसने? इस कहानी को सुनने के पहले मित्रों, फिर वही निवेदन आपसे कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। मैं आपके सामने अच्छी से अच्छी कहानियां लेकर आता रहूं। विवेक और अनुराधा दोनों कपल्स थे, अच्छा वैवाहिक जीवन व्यतीत हो रहा था। विवेक अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, अनुराधा को। अनुराधा विवेक को बहुत प्यार करती थी। एक बच्चा भी था जिसकी उम्र 8 वर्ष हो गई थी, चूंकि 10 वर्ष का सुखद वैवाहिक जीवन व्यतीत हुआ था। एक दिन विवेक का बड़ा भाई गांव से आता है विवेक के पास। वो कहता है कि हमारी तबीयत बहुत ख़राब है, हमें किसी डॉक्टर से को दिखा दीजिए। विवेक अपने बड़े भाई को लेकर जाता है डॉक्टर को दिखाने। डॉक्टर कहता है कि इनको 15-20 दिन प्रॉपर ट्रीटमेंट चलेगा, इलाज चलेगा, क्योंकि इनका जो बीमारी है 15 दिन बाद ही इसमें सुधार हो सकता है। विवेक अपने भाई को हॉस्पिटलाइज करा देता है और वहाँ पर एक कमरा मिलता है, और जो कमरा मिलता है उसमें एक और बेड था, केवल 2 ही बेड थे। वहीं पर एक दिव्या नाम की लड़की ने अपनी माँ को भी एडमिट किया था। डॉक्टर ने वही बताया था कि 15-20 दिन ट्रीटमेंट चलेगा। विवेक अपने भाई की सेवा करने लगता है और दिव्या अपनी माँ की सेवा करने लगती है। विवेक के घर से टिफ़िन लेके उसकी पत्नी अनुराधा जाती है और लेकर आती है, चूँकि उसको बच्चों को भी देख रेख करना था। विवेक ने हॉस्पिटल संभाल लिया, अनुराधा ने घर संभाल लिया। समय से खाना लेकर जाती थी, खाना लेकर वहाँ से टिफ़िन लेकर आती थी खाली, दूसरे दिन फिर जाती थी। अनुराधा जो बगल में लड़की थी जो अपनी माँ की सेवा कर रही थी, विवेक और अनुराधा का दोनों का बातचीत कुछ आगे बढ़ती है। अनुराधा भी अपना टिफ़िन विवेक को शेयर करती थी, विवेक भी अपना टिफिन दिव्या को शेयर करता था। दोनों में बात आगे बढ़ती है धीरे धीरे करते, दोनों लोग एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। वहीं पर बातचीत शुरू होती है, दोनों लोग एक दूसरे के दिल की गहराइयों में उतर जाते हैं। ऐसे कैसे करते 15 दिन व्यतीत हो जाता है। 15 दिन बाद इधर विवेक के भाई डिस्चार्ज किए जाते हैं, उधर दिव्या की माँ भी डिस्चार्ज हो जाती है। दोनों लोग अपने घर आते हैं, लेकिन जो टाका भिड़ गया था, जो बातचीत शुरू हो गई थी, दोनों के अंदर मोबाइल का आदान प्रदान हुआ था, मोबाइल नंबर का, बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों लोग अलग मिलना शुरू कर देते हैं। प्यार परवान चढ़ा था, ये भूल जाता है विवेक हमारे एक फूल जैसा बच्चा है, हमारी एक पतिव्रता नारी है, हमारी पत्नी है। अपनी पत्नी को वो याद नहीं करता है। वो दिव्या के प्यार में इतना पागल हो जाता है कि अपनी पत्नी की परवाह नहीं रहती है, जबकि पत्नी उसको इतनी पतिव्रता मिली थी। और उधर दिव्या की तो शादी नहीं हुई थी, दिव्या के लिए क्या, उसको दूसरे का घर तोड़ने में कोई उसके लिए गुरेज नहीं था। दिव्या विवेक से कहती है, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। विवेक भी दिव्या से कहती है। विवेक और दिव्या दोनों लोग फिजिकल भी हो जाते हैं। बात आगे बढ़ जाती है, अब दोनों को लगता है कि एक दूसरे के बगैर हम नहीं रह पाएंगे, शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन अड़चन सिर्फ था विवेक की पत्नी थी उसमें। विवेक पूरी तरह से दिव्या के प्यार में पागल हो चुका था। दिव्या कहती है, हम आपसे शादी तो करेंगे, लेकिन पहले अपनी पत्नी से आपको तलाक लेना पड़ेगा। विवेक को भी लगता है, चूँकि अनुराधा में अब वो बात उसको नज़र नहीं आती थी,
क्योंकि 10 वर्ष का शादीशुदा जीवन व्यतीत हो जाए, जो शारीरिक सुख उसने दिव्या से प्राप्त किया था वो बात अब उसको अनुराधा के अंदर में नज़र नहीं आती है। वो भी तैयार हो जाता है, वो भी कहता है ठीक है मैं अनुराधा से जाके तलाक ले लूँगा। अपनी पत्नी के पास आता है, सोच विचार करके कहता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, हमें तलाक चाहिए, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अनुराधा आवाक रह जाती है, कहती है 10 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, अरे अपने बच्चे का तो ख्याल रखिए, कौन सा पागलपन आपके अंदर, क्या जादू उस लड़की ने कर दिया है, 15 दिन तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में रही, अपना शादीशुदा जीवन क्यों आप बर्बाद करने फूंकने पे लगे हुए हैं। लेकिन विवेक एक नहीं सुनता है, अनुराधा को लगता है कि एक दिन दो दिन बाद ठीक हो जाएंगे, लेकिन विवेक जिद पकड़ लेता है। अनुराधा कहती है, सेवा करती है विवेक की कि किसी तरह से उसका ध्यान हट जाए, इधर उधर हो जाए, लेकिन विवेक अपने ट्रैक पर था, विवेक जिद पकड़े था। अंत में अनुराधा भी हार जाती है, अनुराधा करे तो क्या करे, नारी तो हमारे देश में हमेशा से कमज़ोर है, लेकिन क्या करे। उसने विवेक से कहा कि ठीक है, ज़िंदगी में सारी बात आपने आपकी मैंने माना है, जो आपने कहा है वही मैंने किया, आपकी खुशी के लिए मैं अपने मायके भी नहीं जाता हूँ या जाती हूँ, कहीं भी नहीं जाती हूँ, आपको नहीं पसंद है तो आपकी ये बात भी मंजूर, मैं अपने को शहीद करने के लिए तैयार हूँ, हमारे बच्चे का सिर्फ ख्याल रखिएगा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँगी, 1 महीने बाद मैं तलाक दे दूँगी, लेकिन केवल 1 महीने हमको दे दीजिए, 1 महीने हमसे वैसे ही व्यवहार कीजिए जैसे मेरी नई नई शादी हुई थी, जिस तरह हम प्यार करते थे, जिस तरह मेरी सुहागरात हुई थी, जिस तरह तुम हमें सब लेके जाते थे, खिलाते थे, फिर रेस्टोरेंट पे लेकर जाते थे, पार्क घुमाते थे, अच्छी अच्छी चीज़ें हमको दिखाते थे, केवल 1 महीना मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, उसके बाद चूंकि तलाक भी अगर मैं आपको दूंगा तो 6 महीने की उसकी प्रक्रिया होती है, उसका प्रोसेस होता है, 6 महीने के पहले आप तलाक नहीं ले पाओगे, चूँकि कोर्ट में भी अगर आप दाखिल करेंगे तो दोनों की सहमति हो, तो इससे बेहतर होगा कि 1 महीना सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि मेरी नई नई शादी हुई है, वैसे ही हमारे साथ व्यवहार कर दीजिए, मैं फिर हमेशा आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के मैं चली जाऊंगी, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आऊंगी, बस एक ही आपसे मांग है। हाथ जोड़ के रोने लगती है अनुराधा। विवेक कहता है कि ठीक है, चूँकि उसको दिव्या नज़र आ रही थी, वो कहता है 1 ही महीने की तो बात है, चलो 1 ही महीने में दिव्या को भूल जाता हूँ। अनुराधा ने कहा 1 महीने तक आप कोई भी कांटेक्ट नहीं रखे, वो दिव्या से कांटेक्ट ख़त्म कर देता है 1 महीने के लिए। अनुराधा अपनी सुहागरात की सेज सजाती है, फूल वहाँ पर लगाती है, उसी तरह से एक रोमांटिक माहौल बनाती है, दोनों लोग रात में संबंध बनाते हैं, एक नई अपने जीवन की पटकथा लिखते हैं, वैसे सिलसिला जारी रहता है। विवेक उसको होटल में ले जाता है, रेस्टोरेंट जहाँ, पार्क में जहाँ जहाँ वो कहती है, आइसक्रीम खिलाता है, बर्गर खिलाता है, जैसे जैसे प्यार करता था वैसे प्यार करने लगता है। उसका मतलब था 1 ही महीने की बात है कि मैं सारी इच्छा पूरी करूँ। अनुराधा भी अपने पति को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन विवेक को लगता है कि मैं इतना समर्पित हूँ अनुराधा के प्रति, जो उसने कहा वो मैंने किया ये, लेकिन दिन प्रतिदिन इसका चेहरा उड़ता क्यों जा रहा है, ये दुबली क्यों होती जा रही, आखिर कुछ हुआ है ज़रूर। दिन वैसे करीब आता जाता है, 20 दिन के ऊपर बीतता है, तो एक दिन विवेक अनुराधा से कहता है कि आखिर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें हो क्या गया है, इतना मैं प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे सारे संबंध बनाता हूँ, जहाँ चाहती हूँ घुमाता हूँ, टहलाता हूँ, आपके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट मैं लेकर आता हूँ, उसके बावजूद तुम्हारा चेहरा क्यों उड़ा रहता है। अनुराधा कुछ बोलती नहीं। इतने में फैमिली डॉक्टर से मुलाकात होती है, विवेक की फैमिली डॉक्टर से पूछता है विवेक कि अनुराधा को देखो, अनुराधा को डॉक्टर डॉक्टर का डॉक्टर ने कहा मैंने तो पहले ही बता दिया है, आपकी पत्नी ने शायद आपको नहीं बताया होगा, ये गंभीर बीमारी कैंसर से पीड़ित है, इसकी अवधि बस 10-15 दिन 20 दिन ज़्यादा जिएगी, इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी, अपना कलेजा मजबूत कर लो। विवेक आवाक रह जाता है कि अरे अनुराधा ने अपना शरीर, मतलब कि बीमार होते हुए भी इतना त्याग किया उसने,
ऐसी पतिव्रता स्त्री जिसने मेरे लिए सब कुछ किया, बीमार हालत में भी मेरा उसने साथ दिया और केवल यही अंतिम इच्छा रखी कि जिसका मैं सिंदूर लगाती हूँ, जिसका उसके साथ एक महीना मैं गुजारना चाहती हूँ, एक महीने बाद मैं चली जाऊँगा। कितना मैं नालायक, दुष्ट और बदतमीज हूँ, कितना बेहुदा हूँ कि पतिव्रता ना अपने को कोसने लगता है, उसको अपराध बोध होने लगता है, बहुत रोता है, अपनी पत्नी अनुराधा को गले लगाकर बहुत माफ़ी मांगता है, कहता हमें माफ़ कर दो अनुराधा, माफ़ कर दो हमें, हम बहुत गलत थे। और अनुराधा रोने लगती है, वो भी अपने पति के सीने से चिपक जाती है, दोनों में आंसुओं का सैलाब, जो उनके बीच में मैल थी वो एकदम आंसुओं के सहारे वो सारा मैल निकल जाता है। लेकिन समय बहुत ज़्यादा हो चुका था, अनुराधा अपने पति के सीने में चिपक जाती है और उसके बाद विवेक के सीने में अनुराधा का सर लटक जाता है। अनुराधा हमेशा हमेशा के लिए विवेक को छोड़ के चली जाती है। विवेक रोने लगता है, अनुराधा को गले लगाता है, कहता मैं अपराधी हूँ, हमें माफ़ कर दो। अपने बेटा बगल में कहता है मम्मी को क्या हो गया पापा, अपने बेटे को भी लगाता है, कहता बेटा मैं अपराधी हूँ, मैंने मम्मी की जान तुम्हारी ले ली, अगर मम्मी की देख रेख तुम्हारे करता, अंतिम समय में भी उसका मैं कोई इलाज नहीं कर पाया, कुछ कर नहीं पाया, बहुत बड़ा अपराधी हूँ बेटा, हमें माफ़ कर दो। अनुराधा तो छोड़ के चली गई, बस हाथ नीचे देखा तो अपने बेटे का नीचे उसने देखा, तो बेटा के हाथ को भी एक हाथ से पकड़े थी अनुराधा, एक हाथ से अपने पति को पकड़े हुए थी। अनुराधा हमेशा के लिए चली जाती है। उसके बाद अंतिम संस्कार करके जैसे लौटता है, एक दिन बाद दिव्या आती है। दिव्या कहती मैदान तो साफ हो गया, अनुराधा तो तुम्हारी ज़िंदगी से चली गई, जो तुम चाहते थे हो गया, अब तो हमसे शादी कर लीजिए, चलिए अब शादी कर लेते हैं। विवेक को बहुत तेज गुस्सा आता है, वो डांट कर अनुराधा को दिव्या को भगा देता है, तुम ही बदतमीज नालायक, तुम ही मेरी ज़िंदगी में जब से आई मेरी, मैंने अपनी पत्नी को हाथ धो दिया, मेरी बीमार पत्नी इतना परेशान थी, अंतिम समय में मेरे साथ रही, अपने पति को किसी तरह कष्ट नहीं दिया, जो भी मैं कहता था, जैसे मैं कहता था वो मेरे साथ रही, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ, तुम दोबारा आने की हिम्मत मत करना। डांट के दिव्या को भगा देता है और अपने भी बच्चे को सीने से लगा देता है। आज विवेक अपने बच्चे का पालन पोषण कर रहा है, सारी जिम्मेदारियों को निर्वाह कर रहा है। मित्रों वही है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। विवेक लौटा लेकिन बहुत लेट कर चुका था, बहुत विलंब कर चुका था, अनुराधा उसके पास से जा चुकी थी। मित्रों आपको क्या लगता है, इस कहानी को सुनाने का मतलब सिर्फ ये है कि अपने रिश्ते को मजबूती से पकड़ के रखें। कभी ऐसा नहीं है कि किसी भी समय किसी भी क्षण किसी भी उम्र में आपके रिश्ते में कमजोरी आ जाएगी, अगर कोई भी आदमी बहक सकता है, इसलिए रिश्ते को पकड़ के रखें। देखते रहिए अयोध्या दर्पण, ढेर सारी शुभकामना आपको, धन्यवाद।